मैं चंदन कुमार वर्मा सिनर्जी कॉम्पिटेटिव स्कूल का संचालक हूँ। आज अपने विद्यालय में बेस्ट हैंडराइटिंग ओलंपियाड अवार्ड का आयोजन किया हूँ और यह आयोजन अब प्रत्येक वर्ष होगी। और इस आयोजन का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी हो। हमारा स्लोगन भी है कि हमारा शुद्ध और स्वच्छ राइटिंग ही पहचान होगी। वो उसी शुद्ध राइटिंग के लिए और स्वच्छ राइटिंग के लिए मैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया हूँ, जिसमें लगभग 70 स्टूडेंट भाग लिए और उसमें से हमने 20 विद्यार्थी को अवार्ड के लिए चुना हूँ, जिसको अब आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सामने मैं उन्हें आमंत्रित करूँगा और उन्हें पुरस्कृत करूंगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ दिव्यांशु राज को, और दिव्यांशु राज को पुरस्कृत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे सहयोगी शिक्षक रोशन कुमार। अब मैं इस सीरीज का दूसरे विद्यार्थी चंचल कुमारी को आमंत्रित करना चाहेंगे और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए शिखा कुमारी को मैं आमंत्रित करता हूँ। बेटा इधर देखिएगा, उधर ना देखिएगा। अब इस सीरीज का तीसरे विद्यार्थी गोविंद कुमार को आमंत्रित करते हैं और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए मैं रसम कुमार को बुलाना चाहता हूँ। मैं अंजू कुमारी को आमंत्रित करता हूं और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए हमारे सहयोगी शिक्षिका शिखा कुमारी आएंगी। मैंने फोटो या तू कुछ बोल ला दे, थोड़ा है खाली एक पोजीशन के लोग ना अच्छा लगेगा ना। अब इस सीरीज का पांचवें विद्यार्थी विभांशु कुमार को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए हमारे सहयोगी शिक्षक के रोहित सर आएंगे। अब छठे स्थान प्राप्त करने वाले ऋषु कुमार को आमंत्रित करना चाहूंगा और ये पुरस्कृत करने के लिए हमारे सहयोगी शिक्षक के रोशन कुमार आएंगे। चेंज कर दीजिए, तो जो होगा पहले नहीं, ठीक है? किसका होगा? किसका होगा? वो दीजिए ना।
अब सातवें स्थान प्राप्त करने वाली सालू कुमारी आएंगे और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए हमारे सहयोगी शिक्षिका क्या नाम है उनका, पूनम कुमारी आएंगे। अब मैं आठवें स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी विकी कुमार को आमंत्रित करना चाहता हूं और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए हमारे सहयोगी शिक्षक के रोहित सर आएंगे। अब मैं चांदनी कुमारी को आमंत्रित करना चाहता हूं और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए हमारे सहयोगी शिक्षिका शिखा कुमारी आएंगे। इस सीरीज का दसवें विद्यार्थी स्वीटी कुमारी, मैं स्वीटी कुमारी को आमंत्रित कर रहा हूं और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए पहुंचेंगे मैडम पूनम कुमारी। इधर देखिए डॉक्टर, जाकर पहले इधर देख सकते हैं। अब इस सीरीज का 11वें विद्यार्थी प्रियांशु राज को मैं आमंत्रित करता हूं और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए रोशन कुमार पहुंचेंगे। अब मैं अमन कुमार को आमंत्रित करता हूं और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए शिखा कुमारी आएगी। ये 3 साल से बुखार तो करे जैसे। अब मैं रोशन कुमार जीवन को आमंत्रित करना चाहता, जीवन या जीतू है आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया रोशन कुमार आइए, जीत्री से हैं और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए हमारे सहयोगी शिक्षक रोहित सर आएंगे। चौदहवें स्थान प्राप्त करने वाले आदित्य कुमार गौरव और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए पूनम कुमारी शिक्षिका आएंगे।
15वें स्थान प्राप्त करने वाली पूनम कुमारी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। पूनम कुमारी बुधगेरे, और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए शिखा कुमारी आएंगी। इस सीरीज का 16वें विद्यार्थी सत्यम कुमार हैं, जो शायद उन्हें तबीयत बिगड़ गई थी एग्जाम देते देते ही, तो अभी चले गए घर, उन्हें बाद में पुरस्कृत कर दिया जाएगा। 17वें स्थान प्राप्त करने वाले चंदन कुमार आएंगे, और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए रोशन कुमार पहुंचेंगे। अठारहवें स्थान प्राप्त करने वाली नेहा कुमारी, और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए पूनम कुमारी आएंगे, शिक्षिका पूनम कुमारी। उन्नीसवें विद्यार्थी है अंकित कुमार बुधगेरे, और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए हमारे सहयोगी शिक्षक रोहित कुमार आएंगे। कट जाएगा, हो जाएगा। और इस सीरीज का 20वां विद्यार्थी है सूर्यदेव कुमार, कृपया मंच पर आए, और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए रोशन कुमार पहुंचेंगे।